हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल यार। फाइनली वी आर इन अमेरिका और मैं आप लोगों को अपना घर भी दिखाऊंगा। अभी वो फर्निश नहीं है डेफिनेटली, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू मैं उसका दे दूंगा। सेकंड ये कि अभी हम लोग निकले हुए हैं बाहर। बेबी की मम्मा हेलो हाय कर दो। वेयर आर यू गोइंग? कोई शॉपिंग करने कोई चीज़ें हमने लेनी थी वो लेने के लिए जा रहे हैं। और सेकंड ये कि भाई साहब सामने क्या ही वेदर है, बहुत मज़े का और नेक्स्ट लेवल सीन है यार। यहाँ पे जो कमेरो है ना, ये सिर्फ $10,000 की मिल जाती है। वो रैम 1500, उसका भी मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है इसलिए नहीं बता रहा। उससे पीछे वाली गाड़ी भी $7,000-$8,000 की। इस तरह मतलब गाड़ियाँ सही प्राइस में मिल जाती हैं रीजनेबल। टेस्ला इज गोइंग आउट देयर। अच्छा, हमारा सिग्नल ओपन हो गया था। मिनाल को भी हमने टोकरी में बांधा हुआ है बेल्ट के साथ, वरना टिकती नहीं है। और हम लोग पहुँच गए इस साइड पर, हमने यहाँ पर जाना है यार। यहाँ पर देखो गाड़ियाँ कितनी मज़े की लग रही हैं। टेस्ला, होंडा, पीछे डॉज आ रही है इसके, ये मस्टैंग का ओल्ड मॉडल। बेसिकली ये जो है ना, सारी गाड़ियाँ क्लीन बहुत लग रही हैं क्योंकि बारिश होती है तो फिर क्लीन हो जाती हैं गाड़ियाँ। यहाँ पे वैसे भी डस्ट होती नहीं है तो ये साफ़ सुथरी लगती हैं गाड़ियाँ। देखो वाइट टेस्ला कितनी मज़े की लग रही है। इन्वायरमेंट जो है ना वो बहुत मज़े का भाई, डिफरेंट है, फील डिफरेंट है यहाँ के, बिल्कुल मज़ेदार है। बैंक ऑफ अमेरिका, वी आर इन अमरीका में। सो ओए वो कहाँ भाग गई लड़की, और मेरा वेट नहीं कर सकती, मुझे छोड़ के भाग गई। हाँ बोलती हो बस, मुझे और तो कुछ नहीं कर सकती यार। ये पहाड़ जो है ना, ये बहुत मज़े के लग रहे हैं। कभी इन पे भी जाएंगे, यहाँ पे स्नो पड़ेगी तो इसका विजिट भी करेंगे। उसके बाद ये रेड कलर की बस है, ये भी काफ़ी प्यारी लग रही है। इवन के यहाँ पे अभी कोई है नहीं, लेकिन वो देखो उसके काम, वो ये जान के भाग रही है। ये रखो इसको मैं बताता हूँ, सीधा कट जाके। नहीं भाई, शी इज़ आउट ऑफ रेंज, भाग के भी नहीं पकड़ सकता। वहाँ जाके इसे बदला लूँगा मैं पहुँच के। वो देखो भागी जा रही है, इतनी दूर हो गई यहाँ से। खैर हम लोग आराम से जाते हैं और स्नैक वगैरह जो भी लेने हैं वो लेके आते हैं। फिर आप लोगों को मैं अपना घर का टूर देता हूँ जी। हमारा घर जो है वो कैसा है अभी, इसमें फर्निश होने वाला डेफिनेटली, सभी फर्निश है। कुछ चीज़ें हैं, कुछ नहीं है अभी, तो लेट्स सी। अच्छा, मैंने टोकरी ले ली है स्टोर के अंदर, आ गया हूँ। सबसे पहले देखो यहाँ पे सेंटा क्लॉस लगे हुए हैं भाई। क्रिसमस आने वाली है यहाँ पे नेक्स्ट मंथ, तो यहाँ पे तैयारियाँ यहाँ पे ऑलरेडी स्टार्ट होगी। वो घूम रही है लड़की, इससे मैं बदला तो लूँ ज़रा। ए लड़की, मुझे छोड़ के क्यों भाग के आई, इसमें ये बताओ। भागोगी अब? हाँ। करो सॉरी, से सॉरी। मेरे साथ पंगा इज नॉट चंगा, मैं बता रहा हूँ। ये यहाँ पे फ्रूट और सब्जियाँ वैसे तो ये पाकिस्तानी या इंडियन स्टोर से लेनी पड़ती हैं, लेकिन ये अमेरिकन स्टोर है जिस तरह ये वाला। यहाँ पे भी हर चीज़ मिल जाती है आप लोगों ने सिर्फ लेने हैं, कुछ भी लेना ना यहाँ पे ऑफर्स भी लगी होती हैं। अब ये जिस तरह गोभी है ये मिल रही है, ये कितने की है? अच्छा, ईच पीस बड़ा सस्ता मिल रहा है भाई। खैर यहाँ पे जो है मतलब कुछ चीज़ें महंगी हैं, कुछ सस्ती भी हैं, तो यहाँ से जो भी चीज़ लेनी हो बंदे ने पैकेट के अंदर ले सकता है, लाइक ये खीरे वगैरह हो गए। और अच्छा एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताता हूँ, वैसे तो हम लोग हलाल फूड वगैरह पाकिस्तानी स्टोर वगैरह से ही लेते हैं ताकि हम लोगों को 100% श्योरिटी हो कि हलाल फूड है, लेकिन उसके अलावा कहीं से कोई चीज़ लेनी पड़ती है और हमने चेक करने का यार ये हलाल है कि नहीं, तो उसके लिए एक एप्लीकेशन है हलाल फूड के नाम से। यहाँ पर स्कैन करो, मैंने आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ से एक पिज़्ज़ा निकाला है, तो ये है पिज़्ज़ा, ठीक है? तो इसके ऊपर ये बार कोड है, इसको यहाँ से स्कैन करो, ये भी स्कैन करके आपको बता देगा कि हलाल है कि नहीं, ठीक है? तो कह रहा है दिस प्रोडक्ट इज़ हराम, हलाल सर्टिफिकेट, नो हलाल सर्टिफिकेट, ठीक है? तो ये हराम है, ये हलाल नहीं है, तो इसको उठा के हम लोग वापस रखेंगे इस तरह। खैर हम लोगों को मिल्क चाहिए तो यहाँ से हमने मिल्क उठाया ये, ठीक है? और अब हम स्कैन करेंगे यार। यहाँ पे प्लांट बेस्ड मिल्क भी मिलता है, अगर किसी को डाउट हो कुछ थोड़ा सा भी, तो ये चीज़ भी ले सकता है, प्लांट मिल्क है, ठीक है? 99 सेंट्स का, काफ़ी सस्ता लगा हुआ है, मतलब ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अभी तो हमने दूसरा ले लिया, तो इसमें जो है ना सारे आइटम लिखे हैं। अच्छा, आज की हमारी स्नैक की शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ हम लोगों ने क्या क्या लिया यहाँ से। तो ये टोकरी है भाई, इसके अंदर यानी कि बास्केट के अंदर हम लोगों ने क्या क्या लिया। एक ये केक है, ठीक है, ये लिया है। हॉट चॉकलेट लिए, हॉट चॉकलेट बना के पियेंगे। किटकैट है, ओरियो है, ये बिस्किट हैं, पीनट्स हैं, बादाम हैं, ये स्नैकर्स है। उसके बाद ये भी कोई खट्टी मीठी टॉफीज है, ये एक और एलिमेंट आ गया। लेस चिप्स, ओके, ये भी लेस है। साथ में मैंने कहा यार मालिक जहाँ इतना खर्चा हो रहा है, एक कोका कोला और सही, तो फिर एक कोका कोला भी ले लिए। साथ में एक ये हमने लिए क्विक्स, साथ में हमने मिक्स नट्स लिए हैं, ये आलू लिए हैं, और ये क्या है, M&M's हैं, जिंजर है, और ये जेली पिनो जो है ना ये भी ले लिया। बर्गर वगैरह बना के उसमें डालने के खाने में काम आती है। खैर अभी जो है ना और भी चीज़ें लेनी है कुछ, बाकी मैं आपको बाद में चल के मिलूंगा, देखते हैं वहाँ से क्या क्या चीज़ें वो लोग ले रहे हैं। मेरी ये देखो ये हैंड वॉश है, ये लिया कैरेमल लाटे, इसके ऊपर लिखा हुआ है, इसमें खुशबू होगी उसकी, तो मैंने कहा सही है भाई ले लेते हैं। ये सामने कार वॉश है, यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह वॉश हो रही हैं, खुद ही बंदा यूजली करता है अपनी गाड़ियाँ वगैरह यहाँ पे वॉश। और सामने वो प्लेन उतर रहा है,
ये मैं आपको दिखाता हूँ पहाड़ के सामने, लेट मी शो यू, ये प्लेन अगर आप लोगों को नज़र आ रहा है तो। बाकी वो फिर आगे निकल गई मैडम, इसको फिर पंगा लेना होगा। सारी चीज़ें टोकरी में रख रही हैं, सिर्फ ये मैंने पकड़ लिया ये, बाकी हमने मिनाल की इसमें नीचे फिट कर दिए। हादी मैं याद हूँ कि नहीं तुम्हें, मेरे बगैर भाग जाती हो। मेरा आपका मोबाइल मुझे क्या पता, वो इधर चल रहा है उसका, बदतमीज। अच्छा फाइनली हम लोग वापस पहुंच गए अपनी सोसाइटी में। ये है हमारी सोसाइटी, यहाँ पे ऐसे कुछ घर है, मैं आपको बैक साइड दिखाता हूँ। काफ़ी बैक यार्ड जाना बहुत मज़े का है, और यहाँ पे पत्ते वगैरह सारे थे, अभी दरख्तों से गिरे हैं तो गिरते हुए पत्ते देखने में बड़ा मज़ा आया। खैर आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ, मज़ा आएगा। ये सोसाइटी हमारी बहुत क्वाइट है, बहुत ही मज़े का सीन है भाई। ये देखो ये रोड है, और बहुत ही मज़े की रोड है, ये हम देखा करते थे वीडियोज़ वगैरह में, आज जो ना रेल में इसके मज़े ले रहे हैं। ये पत्ते सारे मैपल लीव्स जो होते हैं ये सारे गिरे हुए हैं नीचे। और दूसरा ये लॉन्ड्री रूम है हमारे यहाँ पे, किसने लॉन्ड्री वगैरह करनी हो तो वो भी यहाँ पे कर सकता है। और ये है कुछ बैक यार्ड हमारा, हमारा घर है और इसके पीछे सारी जगह जो है ना बैक यार्ड ही है। इस मतलब ये सब घर के कॉमन है, ये जो बैक एरिया है ना, यहाँ पे स्विमिंग पूल है उस जगह पे, ये यहाँ पे स्विमिंग पूल है, जिम है, यहाँ पे बास्केटबॉल खेलने की जगह है। बहरहाल जो भी है ये बहुत एनवायरनमेंट प्यारा है। मैं घर के ऊपर से बालकनी से आपको दिखाता हूँ जाके, बहुत ही मज़े का एरिया अपना। अब मैं आप लोगों को अपना अमेरिका वाला घर दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले जो है ना भाई बाहर का व्यू चेक कर लो, क्या ही मज़े का व्यू है। यहाँ से पहाड़ वगैरह सारे नज़र आते हैं हमारे घर से, बाहर का ये व्यू है। चलते हैं सीधा घर, आपको मैं किचन से लेके और हर चीज़ दिखाता हूँ, चेक करवाता हूँ। तो एंटर होते ही सबसे पहले इस साइड पे हमारा आता है किचन, और मतलब इसमें जो जो चीज़ें पड़ी हुई हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जो जो लेने वाली हैं वो भी आई विल लेट यू नो। यहाँ पे जो ना हमारा टीवी लॉन्च है, सबसे पहले जो है ना यहाँ पे गर्ल्स जो है वो कुछ खा पी रही हैं अपना, यानी कि बिस्किट खिला रही हैं उनको। खैर सबसे पहले हम यहाँ पे आए थे, ठीक है, ये हमारा किचन हो गया। अब किचन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे ये डिश वॉशर हो गया, डिश वॉश वगैरह करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे हमारा माइक्रोवेव हो गया, एक माइक्रोवेव हमारे पास ये भी पड़ा होगा। ये खैर अभी वो चीज़ें जो मैं अभी लेके आया, इसको थोड़ा सा मेसी है ज़रा, इसका माइंड ना करना चीज़ों का। खैर बाकी जो है भाई ये हमारे पास बेकिंग वगैरह के लिए, पिज़्ज़ा वगैरह बनाना हो, कुछ करना हो यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे हम अपना खाना वगैरह बनाते हैं। बाकी ऊपर स्टोरेज हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है पूरे घर में बेसिकली, तो हमारी फ्रिज लगी हुई है, फ्रिज के अंदर जो है ना कुछ सामान वगैरह हमारा पड़ा हुआ है, दूध की बॉटल्स और कोई सॉस वगैरह हो गए बर्गर वगैरह के, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें हम लोग खुद ही बनाते हैं सारी। और ऊपर जो है ये चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ है, चिकन पीसेस के लिए कीमा है, ये भी चिकन है। यहाँ पे वो कुछ कबाब वगैरह बना के रखे हुए हैं, शामी टिक्कियाँ जिसको बोलते हैं वो बनाए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे भी एक स्टोरेज है जो कि नीट एंड क्लीन घर रखता है। जब इसको बंद कर देते हैं तो हम लोग देखो बिल्कुल क्लीन है। अभी एक टीवी लॉन्च, यहाँ पे कुछ भी अभी नहीं, यानी कि फर्नीचर जो है यहाँ पे इतना नहीं पड़ा हुआ, फर्नीचर हम लोगों ने अभी फर्निश करना है घर को। यहाँ पे एक सोफ़ा पड़ा हुआ है, यहाँ पे एक बैठने के लिए एक बेंच टाइप सोफ़ा है, और टीवी लॉन्च यार काफ़ी बड़ा सारा है। उसके बाद जो है हम लोग चलते हैं यहाँ से बाहर, बैल्कनी है हमारी, यहाँ से व्यू बहुत मज़े का, यहाँ से गए हम लोग बाहर। तो ये वही व्यू जो यहाँ से मैं आप लोगों को दिखा रहा था भाई आने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग खड़े होके चाय वाय पियो, कुछ भी करो, मतलब चिल करो, ज़िंदगी के मजे लो भाई, बहुत ही नेक्स्ट लेवल सीन है। और अभी कुछ दिनों में यहाँ पे स्नो पड़ने लग पड़ेगी तो वो दिखाऊंगा आप लोगों को, बहुत मज़ा आएगा, प्यारा व्यू लगता है। ओए होए होए व्हाट अ व्यू यार, क्या ही मैं आप लोगों को बताऊँ। खैर चलते हैं अंदर, मैं आपको और घर दिखाता हूँ। और तो किचन और टीवी लॉन के बाद हम लोग यहाँ से अंदर जाते हैं, ठीक है। अब इसके एक चीज़ और दिखा दूँ कि यहाँ पे स्नो पड़ती है, ठंड बहुत होती है, लेकिन हमारा घर बहुत ज़्यादा गर्म होता है। उसकी रीज़न ये कि सेंट्रल हीटर लगे हमें, और ये एसी भी है और हीटर भी है, ठीक है। अभी जो है ना ये क्या नाम है, हीटर लगे हुए हैं पूरे घर में, इसलिए बहुत ज़्यादा हीट होता है। ये बेसिकली हीटर लगा हुआ है यहाँ पे, यहाँ से ऑन करते हैं हम लोग तो हीट और कूल ऑन कर सकते हैं, और मतलब एसी भी इसी के अंदर है। और इसके बाद यहाँ पे एक स्टोरेज रूम है जिसके, और उसके बाद जो है यहाँ पे बेसिकली हीटिंग वाला सिस्टम ये इसके अंदर है, ये हीटर लगा हुआ सारा, ठीक है। उसके बाद ये एक बाथरूम है, ये एक रूम है, ये एक रूम है, क्योंकि अभी ये रूम्स वगैरह में देखिए तो कुछ इतना है नहीं, इसलिए मैं आप लोगों को दिखा नहीं रहा खोल खोल के सारी चीज़ें, लेकिन मैंने कहा एक रूम चलो ये वाला आपको एटलीस्ट दिखाया। तो इसके अंदर जो है ये स्पेस है, काफ़ी बड़ी सारी स्पेस है यार, ठीक है। ये अलमारी है जिसके अंदर हमारा सामान ऑलरेडी पड़ा हुआ है, बैग्स वगैरह, लैपटॉप चीज़ें वगैरह ये वो सारी पड़ी हुई हैं। ये छोटी लाइट हमने लगाई थी मिनाल के लिए ताकि रात को अंधेरा ना हो। अच्छा एक चीज़ और है कि यहाँ पे ना यार छत पे कोई पंखे या कोई बल्ब वगैरह नहीं होते रूम्स के अंदर, इस तरह के लैंप वगैरह ला के रखने होते हैं हम लोगों को, तो इसलिए यहाँ पे ये लैंप लगा हुआ है। इस रूम के अंदर बाथरूम है, चलो एक बाथरूम भी आप लोगों को मैं दिखाई दूँ। तो एंटर होते ही जो है ना इसके अंदर यहाँ पे शीशा लगा हुआ है, और दो शीशे लगे हुए हैं यहाँ पे अपना सामान, जिस तरह ये है मैंने इसके अंदर अपना सारा ट्रिमर हो गया, अपने परफ्यूम्स हो गए, वो सारे इस वाले ड्रॉअर में रख लिए हैं। इसके अंदर जो है ना इस तरह डिफरेंट चीज़ें हैं, हेयर ब्रश वगैरह हो गया,
इसमें मतलब इन ड्रॉर्स के अंदर काफी स्पेस है, आप लोग काफी सारी चीजें रख सकते हो। इसके अंदर तीन लाइट्स लगी हुई हैं जो कि आपको मेकअप करना हो, कुछ करना हो तो काफी अच्छा सीन रहता है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास वॉशिंग मशीन है, ठीक है, ये काफी बड़ी सारी वॉशिंग मशीन है। इसके अंदर शायद कपड़े होंगे, हाथ भरे हुए कपड़ों से वॉशिंग किया। उसके बाद ये ड्रायर है ऊपर वाला, यानी कि फॉरन ड्रायर, क्योंकि यहाँ पे आप लोग बाहर तो सुखा नहीं सकते चीज़ों को, तो यहाँ पे डाल के आप लोगों ने इसको ड्राई कर लेना है, ये अच्छे से ड्राई हो जाएंगे कपड़े और कुछ करने की जरूरत नहीं, गर्मा गर्म कपड़े आपके बाहर आ जाएंगे। और उसके बाद जो है ये हमारा कमोड हो गया, और यहाँ पे ये हमारा शावर एरिया है, ठीक है, इसको ओपन करके मतलब शावर वगैरह यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये था एक घर का टूर, सही लग रहा हूँ मैं कुछ। आई होप आपको आज की ये वाली वीडियो जो है ना मेरे घर की पसंद आई होगी, और अभी कंटिन्यू करते हैं वीडियो को भाई, कंटिन्यू करते हैं, मैं बंद करने लगा था अभी। हॉट चॉकलेट वगैरह बनाते हैं और बाहर से भी इंजॉय करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू मेक हॉट चॉकलेट, और हॉट चॉकलेट के लिए मैं जो हूँ यू नो एक्सपीरियंस बंदा ही बना सकता है ये चीज़ें, नॉर्मल बंदे नहीं बना सकते। बनानी मैंने और बोल अपना रहा हूं। मैं बना रहा हूँ, आई विल लेट यू नो कि हाउ टू मेक। ये बॉक्स खोलने की तमीज देख लो, फाड़ के फेंक दिया, ये भी फाड़ रही थी, मैं कहा भाई रुक जाओ अभी तो खोल लेते हैं। खैर केक और वो हॉट चॉकलेट दोनों चीज़ें लेते हैं। यार असल में ना यहाँ पे बाहर से खाना हलाल वगैरह बहुत बड़ा इशू होता है, तो इसलिए हम लोग जो ना एप्लीकेशन से चेक करके हलाल चीज़ें घर तो ले आते हैं। खा लेना हौसला रखो। तो इसके अलावा जो ना हम चीज़ें जिस तरह ये पैन केक हो गया या कुछ भी मतलब क्रिस्पी चिकन हो गया, ये सब कुछ हम घर में बना लेते होते हैं। साथ हम लोग ना एक चिकन की लेग पीस को मैरिनेट करने लगे हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग डाल देंगे बेकिंग इसमें, उसके बाद पक जाएगा, उसके बाद खाएंगे और मजा उड़ाएंगे साथ साथ। अभी हॉट चॉकलेट तो हाथ में, केक तो पर ये बन जाएगा, फ्राइज एक पीस मैंने सिर्फ बनाया, अभी काफी बड़ा लेग पीस है क्योंकि मैंने अकेले ने खाना है, तो इसको हम यहाँ रख देते हैं इसके अंदर, इसको कर देते हैं बंद। प्री हीट हमने कर लिया था पहले ऑलरेडी, साथ में हम लोग गर्म दोबारा से करके, ये देखो क्या हो गया इसका गर्म करके इसको हम खा भी लेते हैं तो वो रेडी हो जाएगा। अच्छा भाई लोग, दुबई की लाइफ एंजॉय करने के बाद जो है टाइम आ गया है अमेरिका की लाइफ एंजॉय करने का, इसका नेक्स्ट लेवल है भाई ये लाइफ जो है ना, ये मुझे ज़्यादा पसंद है क्योंकि यहाँ पर ठंड काफ़ी होती है। साथ में जो है ये पहले खाने लग पड़ी है मेरे बगैर ही, मेरी हॉट चॉकलेट दे दो भाई मुझे, आहा ज़िंदगी के मज़े कुछ ले रही हूँ मैं। हाँ मज़ेदार, मज़ा ही आ गया पुत्र, नेक्स्ट लेवल। इट फील्स लाइक नाउ आई एम रिटायर्ड कि मैं रिटायर हो चुका हूँ, जितना रिटायर वाली लाइफ हो, बैठे हैं चाय पी रहे हैं इंजॉय कर रहे हैं, इट फील्स लाइक दैट ब्रो, लिटरली ऐसी फीलिंग आ रही है भाई, आ हा बस। अच्छा यार अभी मैं बाहर आया था, ठंड है काफ़ी लेकिन मज़े वाला सीन है। मैं बाहर क्यों आया था क्योंकि हमारे जो वॉशिंग मशीन है ना वो फिलहाल काम नहीं कर रही, हम लोगों ने उसकी कंप्लेन की हुई है, वो कल जब तक मसला रिजॉल्व नहीं होता। मेरे लॉन्ड्री रूम जो है ना यहाँ पे अवेलेबल है, जिस तरह ये लॉन्ड्री रूम है एक हमारे साथ है, तो वो हम मैंने अभी टॉपअप किया कार्ट। ये हमारा यहाँ पे जिम है और स्विमिंग पूल वगैरह, और ये बास्केटबॉल खेलने का एरिया यहाँ पे ये। तो खैर अभी जो है कपड़े लेके आते हैं और कपड़ों को वॉश करते हैं अपने, और देखते हैं फिर आगे जो भी होगा मैं आपको साथ बताऊँगा। यार ठंड बहुत है लेकिन लिटरली इतना मज़ा आ रहा है ना मुझे कि आई कांट इवन एक्सप्लेन ब्रो, बहुत ही मज़े का सीन है, बहुत ही। यार फाइनली मेरा चिकन पीस रेडी हो चुका है, साथ में इसके फ्राइज हैं, अब ये खाएंगे मैं और मिनाल मिलकर ना। मिनाल थोड़ा सा यहाँ से चिकन लो, साथ में एक फ्राइज लो, ये सॉस और केचप मिला के खाओ, मज़ेदार मज़ा आ गया। अच्छा फाइनली हम लोग लॉन्ड्री करने के लिए आ गए हैं, यहाँ पे ड्रायर में तीन ऑलरेडी किसी के डले हुए हैं और ये फाइनली खाली हो चुकी हैं, पहले मैं ऐसे फिल थी। सबसे पहले हम लोगों ने मिनाल के कपड़े डाले हैं, उसके कपड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कपड़े ज़्यादा गंदी करती है, ये बच्ची हुई यहाँ बैठी है, उसके हम लोगों ने लगा के दिया हुआ है। इसके यार कार्ड है हमारे पास, कार्ड यहाँ पर टैप करेंगे और हम लोग स्टार्ट कर देंगे। अच्छा जब तक हमारे कपड़े धुल रहे हैं हम लोगों ने चैलेंज लगाया, वो ये है कि जिसने पहले दूसरे को टच कर लिया मारते हुए तो वो दूसरे का बात मानेगा जो भी होगा। फिर यहाँ पे कैमरा सेट कर रहे हैं हम लोग, एक मिनट अब इसकी सजा ये होगी कि तुम बाहर -2 डिग्री उसमें जाके बैठोगे 2 मिनट, तुम्हें कुछ होने का मसला फिर भी मेरा ये माफ ना कर दूं ऐसे।
ठंड। अच्छा मैं वीडियो शूट करने के लिए ठंड में खड़ा हूँ, फायदा क्या आया? ये ना कि हम दोनों बाहर मिनाल अंदर लॉक हो जाए। चलो हो गया पूरा टाइम, आ जाओ आ जाओ। माफ किया, माफ तो ज़्यादा नहीं था, माफ किया। बस खेल गेम खत्म खत्म। लेकिन डिफरेंट करो, चैलेंज ये नहीं हो सकता। और तो राउंड टू होने लगा, डेफिनेटली इसमें भी मैं ही जीतूंगा। लेट्स सी लेट्स सी। चलो कैमरा फिर से सेट हो रहा है। ओके 1 2 3 1 2 3 1 2 3 स्टॉप। भाई ये चलो बताओ, सोच के सोच लो सोच लो। वहां तक पागल हूँ मैं, दूर चल के वापस आपने सीधा आना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस जाना ऐसे। चलो आज पागल बना रही है। नहीं सीरियसली मैं भी चल सकती हूँ। जाके दिखाओ कहाँ तक जाना है। नहीं चलाके मारने के जाते हैं, जाके दिखाओ। क्यों कुछ है साइड चेंज? साइड नहीं नहीं मुझे नहीं पता। क्यों ये तो ये था बस, विनर कौन होगा बस ये था और कुछ नहीं था। और आप वीडियो को कंटिन्यू करते बस खत्म। हाँ बस हो गया। हाँ तो बस यहाँ पे अब हम लोग डालने लगे हैं इसमें कपड़े, ताकि ड्राई हो जाएंगे, बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे, गर्मा गर्म कपड़े बाहर आएंगे बाद में। अच्छा ये हम लोगों ने मशीनें दोनों सेट कर दी हैं, 45 मिनट के बाद हम लोग आएंगे वापस, आके निकाल के ले लेंगे। लेट्स गो।